नमस्कार, एक बार फिर से एप्स कॉर्नर में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम काव्यखंड से जो कवि ऋतुराज हैं उनकी जो रचना है जिसका शीर्षक है कन्यादान, वो पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जो हमारे कवि हैं ऋतुराज, उनके बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। ऋतुराज, इनका जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। ये 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये तो जो हमारे कवि हैं ऋतुराज, उनसे हमारा परिचय हुआ। अब चलिए हम अगले स्लाइड में जो हमारी कविता है जिसका शीर्षक है कन्यादान, वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो कविता है जिसका शीर्षक है कन्यादान, वो कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पे जो हमारे कवि हैं उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि जो माँ के हृदय में जो संचित पीड़ा रहती है और उसकी जो अनुभव की जो पीड़ा है, वो बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत भावुकतापूर्ण स्थिति में और बहुत ही भावुकतापूर्ण तरीके से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है इस कविता के जरिए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक माँ की जो मानसिक स्थिति है, जब वो अपनी बेटी की शादी कर रही है और जब कन्यादान करने का समय आता है, तब वो कहते हैं कि जो लड़की की माँ का दुख अत्यंत करुणा भरा हुआ था, यानी कि जो उसका हृदय था बहुत ही क्या बोलते हैं करुणा से भरे हुए यादों से, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक जो अनुभव की जो उसकी पीड़ा थी वो उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। और कवि कहते हैं कि जो कन्यादान के समय माँ का दुख जो है वो देखकर मानो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी वह पुत्री पूरे जीवन का संचित एवं आखिरी धन है और वो भी वो आज दूसरे किसी के हाथों में सौंपने जा रही है। तो इसीलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुत्री अपने कोई भी बेटी अपनी माँ के सबसे नज़दीक एवं उसके सुख दुख में साथ देने वाली होती है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारी कवि हैं उन्होंने पुत्री को अंतिम संचित धन कहा है। तो चलिए फिर इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं इस काव्यांश की वो जान लेते हैं कि इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल खड़ी बोली है। अंतिम पूंजी यहाँ पर पुत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है और दान में देते वक्त में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए फिर जो हमारी कविता है उसकी कुछ आगे की जो पंक्तियाँ वो पढ़ते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार से है कि आगे की जो पंक्तियाँ वो इस प्रकार से हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। तो कवि कहते हैं कि कवि माँ की नज़रों में उनकी जो बेटी थी उसकी वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी और इतनी समझदार भी नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि वो इतनी सीधी सादी और वो सरल स्वभाव की थी कि आगे उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था वो इस बात को से पूरी तरह से अनजान थी। तो फिर आगे कवि कहते हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कवि कहते हैं कि जीवन में आने वाले सुखों को वो महसूस तो कर सकती थी परंतु जो दुख दर्दों को जो पढ़ना सहना और उसके साथ ही साथ जो भी इस शादी के साथ और भी जो कठिनाइयाँ उसकी ज़िंदगी में आने वाली थी वो उसकी समझ से पूरी तरह से परे थी, वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी। फिर आगे कवि कहते हैं पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि वह कम रोशनी में भी पढ़ने वाली पाठिका जैसी थी। बेटी को जैसा कि शुरुआत में ही बताया कवि ने कि जो बच्ची है जिसकी शादी हो रही है वो बेटी को जो पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसे स्त्रियों की परंपराओं और रीति रिवाजों की भी बहुत थोड़ी सी जानकारी थी। तो इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं कि तत्सम शब्दों के साथ साथ देश शब्दों के प्रयोग से कविता में एक मानव सजीवता सी आ गई है और करुण रस एवं मुक्त छंद है का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भारतीय नारी के सीधे साधे एवं सरल स्वभाव का मार्मिक चित्रण किया गया है यहाँ पर। तो चलिए फिर हम कुछ और पंक्तियाँ पढ़ते हैं इस कविता की।
इसमें इन पंक्तियों में जो जो लड़की है जिसकी शादी हो रही है, जो कन्या है, उसकी जो माता है वो कहती है अपनी पुत्री से कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। कवि कहते हैं कि जो माँ है अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम अपने शरीर और चेहरे की सुंदरता और कोमलता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। वो कहते हैं कि जब भी हमारे मन में किसी प्रकार की अपनी सुंदरता और कोमलता को लेकर कभी भी अगर हम सोचने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हमें कमज़ोर बना देती है। इसीलिए एक तरह से कह सकते हैं कि माँ अपनी बेटी को एक तरह से समझाने का प्रयास करती है, एक आगाह करती है कि वो ये गलती ना करे कि अपने को देखकर अपनी सुंदरता पर रिझे या फिर अपने को कोमल मानकर अपने को कमज़ोर ना समझे। तो इसी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि माँ एक आगाह कर रही है आने वाले भविष्य के लिए उसे। तो फिर आगे जो कविता है वो कुछ इस प्रकार है कि आग पर आग रोटियाँ सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। कवि जो माँ है आगे बोलती है कि आग पर जो रोटियाँ बनाई जाती हैं, आग से अपने शरीर को नहीं जलाया जाता है। और यहाँ पे जो कवि हैं वो बताना चाह रहे हैं कि जो सामाजिक परंपरा के अनुसार जो लोगों ने स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार किया उसी के बारे में माँ अपनी पुत्री को समझा रही है, उसे आगाह कर रही है। और वो एक तरह से बोल रही है, अपनी बेटी को समझा रही है कि समाज की व्यवस्था और परंपरा के कारण तुम किसी भी प्रकार का जो तुम्हारे साथ अन्याय और अत्याचार हो उसे सहना मत। फिर आगे कहते हैं कवि कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहते हैं कि जिस तरह मनुष्य शब्दों के भ्रम के जाल में हमेशा फंसा रहता है, उसी तरह स्त्री अपने जीवन में सुंदर कपड़ों और कीमती आभूषणों के आकर्षण में हमेशा फंसी रहती है। और उन्हीं इन्हीं जो जो कपड़े और जो आभूषण हैं उन्हीं उसी के आकर्षण वश वो हमेशा जो उसके रिश्ते होते हैं उन संबंधों में वो बंधी रहती है। तो और इसके ये जो कहीं ना कहीं वो उस स्त्री को कमज़ोर बनाते हैं और इसी के कारण से वो स्त्री सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर हो जाती है, चाहे वो रिश्ता उसके लायक हो या ना हो। तो कवि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि माँ जो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित है वो किस तरह से अपनी बच्ची को समझाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर कवि ने उसी बात को कहा है। तो चलिए इसके जो कुछ विशेष तथ्य वो देख लेते हैं कि इसमें प्रतीकात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह में उपमा अलंकार का अनूठा प्रयोग किया गया है। पानी में झांकना जीवन के बाह्य रूप को देखना है और आग की उपयोगिता का यहाँ पर चित्रण हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जगहों में हम आए दिन सुनने को मिलता है हमें कि किस तरह से केवल दहेज के न मिलने के कारण जो इस जो कन्या है या जो स्त्रियां हैं नवविवाहित स्त्रियों तक को लोग जला देते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से माँ ने अपनी बच्ची को समझाते हुए कहा है कि जो आग है उसकी जो उपयोगिता है वो बताती हुए बताई है कि आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो चलिए फिर कविता के आगे की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। जो कविता की आगे की पंक्तियाँ हैं जो कि इसकी अंतिम इस कविता का अंत होता है इन पंक्तियों से, वो कुछ इस प्रकार है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि अपनी जो माँ है अपनी पुत्री को सीख देते हुए कहती है कि तुम अन्य लड़कियों की तरह कोमलता सुंदरता आदर्शों एवं संस्कारों को तो जीवन में अपनाना, लेकिन उनकी तरह कमजोरी हीनता और दुर्बलता और साथ ही साथ परंपराओं रीति रिवाजों को जो के जो ढकोसले होते हैं जो ढोंग होती है उन्हें ना अपनाना। यानी कि वो शिक्षा देती है कि वो बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे कोमलता सुंदरता संस्कार वो सब तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो कमजोरी है जैसे हीनता दुर्बलता जो और हमारी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो रीति रिवाज हैं उनको मत अपनाना, वो ऐसी शिक्षा देती है अपनी बच्ची को। उसके बाद वो कहती हैं कि तुम्हारे अंदर लड़की की तरह के संस्कार और गुण जो है वो विद्यमान होने चाहिए, परंतु दुर्बलता और निरहता नहीं, क्योंकि स्त्री की सौम्यता व सुंदरता पर दुर्बलता की परत चढ़ाकर ही उसका मजाक बनाया जाता है। और ये जब भी किसी भी स्त्री की सौम्यता सुंदरता दुर्बलता की परत कोई स्त्री अपने ऊपर चढ़ा लेती है तो वो स्वाभाविक सा है कि जब वो खुद कमज़ोर हो जाती है अपने आप कमज़ोर बनाती है तो दुनिया उसे कमज़ोर ही समझेगी और उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करती है।
इसी तरह से जो माँ है, जो इस कविता में जो माता है जो अपनी पुत्री को समझा रही है, उसमें उसके जरिए कवि ने स्त्री के सौम्य कोमल सुशील आचरण व्यवहार को उसकी कमजोरी और निरहता समझकर अपमान करने तथा अन्य लड़कियों की तरह दुर्बल आदर्शों को न पालन करने को कहा है। तो चलिए फिर इसके जो विशेषता थे वो देख लेते हैं कि इस काव्यांश में माँ के हृदय में संचित अनुभव की पीड़ा एवं दर्द को प्रस्तुत किया गया है और इसमें माँ का जो क्रांतिकारी भाव है वो अभिव्यक्त हुआ है। तो चलिए फिर ये तो हम लोगों ने हमारी जो कविता है कन्यादान वो पढ़ा, अब हम अगले स्लाइड में जो इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्रियों के लिए उनके आचरण और व्यवहार संबंधी कई तरह के नियम बना दिए गए हैं और जो कि एक तरह से उन स्त्रियों को सामाजिक परंपरा में आदर्शों की जंजीर से, जो कह सकते हैं आदर्श रूपी जो जंजीर है उस वो हमेशा उन्हें जकड़ी रहती हैं। लड़की की सौम्यता, सुंदरता, कोमलता और भावुकता को हमेशा से ही हमारे समाज में उसकी कमजोरी समझी जाती है, इसीलिए माँ ने इन आदर्शों को छोड़कर अपनी बेटी को अन्य लड़की जैसा दिखाई न देने को कहा है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो यह है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों में हमारा जो समाज है उसमें स्त्री की एक जो स्थिति है जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति है उसकी तरफ संकेत किया गया है। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में पग पग पर स्त्रियों का शोषण किया जाता है, दहेज के लिए उसे तरह तरह की अमानवीय प्रताड़नाएं दी जाती हैं, यहाँ तक कि कई बार तो दहेज के लिए उसे जिंदा भी जला दिया जाता है। इसीलिए माँ ने यहाँ पर कहा है कि आग रोटियाँ सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं है। उसके बाद और इन पंक्तियों के जरिए माँ ने अपनी जो बेटी है उसे समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारा समाज जो हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार रखता है, तो वही बात यहाँ इन पंक्तियों के जरिए बताई गई है। फिर अगला प्रश्न है कि माँ ने बेटी को क्यों सचेत करना जरूरी समझा? तो माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा ताकि वो अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को अच्छी तरह से जान सके तथा अच्छे और बुरे में अंतर कर सके तथा शक्तिपूर्वक उसके साथ होने वाले जो भी अन्याय हो उनका सामना कर सके। फिर हमारा जो चौथा प्रश्न है वो यह है कि माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है? तो जो ये कविता है यानी कि जो हमारा पाठ है उसके अनुसार कुछ ये सारी जो सीख है जो एक जो माँ है उसने अपनी पुत्री को दिया है, उसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि तुम अपनी सुंदरता व कोमलता पर मन ही मन प्रसन्न मत होना, क्योंकि समाज स्त्री की दुर्बलताओं एवं कमजोरी को देखता है और ये जो उसकी सुंदरता और कोमलता है उसे समाज जो है हमारे पुरुष प्रधान जो समाज है वो उसे एक दुर्बलता और कमजोरी के रूप में देखता है स्त्री की। तो और ये इसी तरह से इस कमजोरी और दुर्बलता को देखते हुए उस पर तरह तरह के अत्याचार और अन्याय करता है। फिर अगला जो अगली सीख जो माँ देती है अपनी बच्ची को वो ये है कि जो चीज़ जिस उद्देश्य के लिए बनी है उसका प्रयोग उसी के लिए होना चाहिए। माँ यह उदाहरण देते हुए कहती है कि आग पर रोटियाँ सेकी जाती हैं, इस पर स्वयं को जलाया नहीं जाता है। तो चलिए फिर और इसी प्रश्न में आगे हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या सीख दी है एक माँ ने अपनी बेटी को। तो आगे जो माँ है वो अपनी पुत्री को समझाते हुए कहती है कि स्त्री के जीवन में कपड़े और गहने का जो जो एक कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुत सारी औरतें हैं जो कि इन्हीं चीज़ों के कपड़े और गहने को भी अपनी ज़िंदगी में अपना क्या कह सकते हैं कि सब कुछ मान लेती हैं और उसके मोह में उसकी मोह माया में हमेशा पड़ी रहती हैं, जो कि एक तरह से उनके लिए बंधन का कार्य करता है और वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाती और इसी बंधन में हमेशा वो जकड़ी रहती हैं। तो इसीलिए माँ अपनी जो बेटी है उसे समझाते हुए कहती है कि लड़की के तुम के जो सभी गुण हैं उन्हें अपनाना, लेकिन ये जो है गहने और कपड़े के प्रति जो एक कह सकते हैं जो आकर्षण है उससे अपने आप को हमेशा दूर रखना और किसी भी स्थिति में अपने को कमजोर मत होने देना। तो और ये सारी चीज़ें हैं यानी कि ये जो सीख हैं वो सब एक जो हमारी कविता है कन्यादान उसकी जो माता है उसने अपनी पुत्री को दिया है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है कि कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो हम सभी जानते हैं कि
भारतीय संस्कृति में कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है और कन्यादान से अभिप्राय है कि लड़की की विवाह के पश्चात उसकी विदाई हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि लड़की की विदाई के साथ उसके साथ जो उसके मायके के लोग हैं यानी कि उसके जो माँ है, उसके जो पिता है, उसके भाई बहनों का साथ हमेशा के लिए टूट गया, उनका संबंध हमेशा के लिए टूट गया। इसलिए उस ये जो जो विवाह है और विवाह में जो ये रस्म होती है जिसे कन्यादान कहा जाता है, वो उसे दान का दर्जा देना किसी भी तरह से उचित नहीं है और उसे और इस ये जो जो कह सकते हैं जो रीति रिवाज है उसे कन्यादान का नाम देना उचित नहीं है, इसीलिए मेरे हिसाब से यह अनुचित है। तो अभी जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने जो हमारा पाठ है जिसका शीर्षक है कन्यादान और जिसके कवि हैं ऋतुराज, वो हमने पढ़ा और आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये पाठ समझ में आया होगा और साथ ही साथ आज का जो ये मेरा वीडियो है और मेरा जो प्रयास है वो पसंद आता है। मेरे इस वीडियो को आज के देखने के लिए मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ धन्यवाद।